नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली न्यूज अड्डा पर। और दोस्तों हम एक बार फिर से हाजिर है आपके सामने IPL 2020 की एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ में, जहां पर दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे IPL के शेड्यूल की और इसके ठीक बाद बात करेंगे उस मैच के बारे में जिसमें RCB के चार शेयर आपस में भिड़ने वाले हैं। तो जितने भी RCBians वीडियो देख रहे हैं वो फटाफट से वीडियो को एक लाइक ठोको और कमेंट बॉक्स में स्पैम करो IMRCBN। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए बात करते हैं इस वीडियो की तरफ। तो दोस्तों IPL की गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष ब्रजेश पटेल के बयान के हिसाब से IPL 2020 का शेड्यूल आ जाने वाला था और दोस्तों इंतजार की घड़ियां खत्म हुई है। IPL 2020 का मच अवेटेड शेड्यूल जो है वो इतना इंतजार करने के बाद अनाउंस हो चुका है, जहां पर दोस्तों इनिशियल जानकारी के मुताबिक 19 सितंबर को डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस और रनर अप चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में पहला मैच ओपनिंग मैच होगा और ये मैच अबू धाबी में, जो कि मुंबई इंडियंस का घर है, मुंबई इंडियंस का बेस है, वहीं पर होगा। यानी कि मुंबई इंडियंस की टीम CSK को होस्ट करेगा। वहीं पर इसके बाद संडे को दुबई में दूसरा मैच दिल्ली कैपिटल्स और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच में होगा और इसके बाद तीसरा मैच भी दुबई में ही मंडे को, और जिसका सभी RCB फैंस को इंतजार था। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, 21 सितंबर को RCB की टीम के सामने होगी सनराइजर्स हैदराबाद और ये मैच भी दुबई में ही होगा। और दोस्तों इसके बाद 22 सितंबर को शारजा में राजस्थान रॉयल्स की टीम होस्ट करेगा चेन्नई सुपर किंग्स को। और दोस्तों इस टूर्नामेंट में कुल 10 डबल हेडर्स खेले जाएंगे, जहां पर 24 मैच दुबई में, 20 मैच अबू धाबी में और 12 मैच शारजा में खेले जाएंगे। इसके अलावा प्लेऑफ्स और फाइनल के वेन्यू बाद में अनाउंस होंगे और दोस्तों इसके ठीक बाद एक वीडियो आने वाली है जिसमें हम आपको एक अलग वीडियो में सारा शेड्यूल जो है वो मैच बाई मैच प्रॉपर तरीके से बताने वाले हैं। तो सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन को प्रेस कर लें। वहीं पर दोस्तों बात करते हैं हमारी मेन खबर की। तो RCB के चार शेयर आपस में भिड़ने वाले हैं अब से कुछ ही देर में और RCB की फ्रेंचाइजी की इन पर नजरें होंगी। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये खिलाड़ी एक टीम नहीं, दो अलग अलग टीम्स में भिड़ने वाले हैं। जी हाँ, आई थिंक आपने गैस कर लिया होगा, हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले दूसरे T20 मैच की, जो कि आज शाम को 6:45 यानी कि 7:45 शुरू हो जाएगा, जहां पर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एडम जैम्पा और एरॉन फिंच खेलेंगे, जो कि पिछले मैच में भी खेले थे। और दोस्तों हो सकता है कि जॉर्ज फिलिपी को आज के मैच में मौका दिया जाए और एलेक्स कैरी की जगह पर। और दोस्तों अगर ऐसा होता है तो फिर हमें RCB के तीन खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया की टीम से आज खेलते हुए नजर आएंगे एक साथ। और दूसरी तरफ इंग्लैंड की तरफ से एक मात्र खिलाड़ी मोइन अली खेलेंगे, यानी कि हम कह सकते हैं कि तीन शेरों के सामने होगा एक बब्बर शेर। और दोस्तों बब्बर शेर इन द सेंस उनकी लॉन्ग बियर्ड की वजह से, क्योंकि बब्बर शेर की भी तो आई थिंक बियर्ड लंबी होती है इसी वजह से, और वो इसी वजह से जंगल का राजा भी होता है। खैर दोस्तों ये खिलाड़ी जो है वो अपने गेम में कितने बब्बर शेर है ये तो खैर मैच के दौरान ही पता चलेगा। आपको दोस्तों इस मैच की सारी रिपोर्ट, किस खिलाड़ी ने किस तरह का प्रदर्शन किया, हमारे चैनल पर मिलने वाली है। तो जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और थोड़ी देर में आपको शेड्यूल की प्रॉपर वीडियो मिलने वाली है जिसमें आप मैच बाई मैच सारे मैचों का शेड्यूल देख पाएंगे और कौन सा मैच किस मैदान पर कितने डबल हेडर्स, मैच बाई मैच आपको सारी वीडियो मिलने वाली है। तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।